ड्राई रन की शुरुआत के बीच एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ा ऐलान किया है अब से कुछ ही पलों पहले, और ऐलान ये कि देश भर में कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, यानी कोविशील्ड जो पहली वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, और इसके बाद भी जो जो वैक्सीन आएंगी देश भर में वैक्सीनेशन फ्री होगा। ये बड़ी खबर है क्योंकि तमाम राज्य सरकारें ऐसा चाहती थी, केंद्र पर एक हालांकि दबाव भी था, लेकिन इस जिम्मेदारी को बड़ा रूप देते हुए अब यह ऐलान किया गया है कि देश भर में मुफ्त में कोरोना का टीका लोगों को लगाया जाएगा। इसे चुनावी वादा तक बताया गया, हमने बिहार चुनाव में भी जिस प्रकार के वादे हुए वो भी देखा, लेकिन इन सब के बाद अब पूरे देश के लिए इस वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया गया है। पल्लवी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी सहयोगी। पल्लवी, क्या जानकारी आ रही है पूरे देश में फ्री कोविशील्ड और इसके बाद के तमाम वैक्सीन? देखिए आशा, देखिए इसको लेकर के संकेत पहले भी थे कि भारत सरकार जो है वैक्सीन को फ्री लगाने के लिए फैसला लेगी, और वो फैसला आपने सुना कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि फ्री वैक्सीनेशन होगा। फिलहाल तो अभी हेल्थ वर्कर्स को लगना है, और पूरे देश में 1 करोड़ की संख्या है, 1 करोड़ ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीनेट करना है। तो फिलहाल जो होगा वो बिल्कुल इसको कहा जाएगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है जो भारत सरकार या राज्य जो लगाएंगे वो फ्री होगा। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, अभी दो ऐसे कंपनी हैं वैक्सीन के, फाइजर और सुनवा दें, पहले भी थोड़ा सा रुकते हुए सुनवा दें आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा, फिर आते हैं। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री है। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं सारे देश में फ्री है। सर